हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ फाइनली कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट HTML चीट शीट। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने देखा था कि हम कैसे एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो हाउ टू क्रैक एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल असेसमेंट। उसके अंदर चीजें बताई है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपके लिए कॉग्निजेंट प्रिपरेशन के लिए बैक टू बैक वीडियोस लेके आऊंगा। तो फाइनली ये पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब आपका काम होगा कि आपको अच्छी तरीके से देखनी है, पूरी कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले HTML क्वेश्चंस आपके तीन क्लस्टर के अंदर आपके एग्जाम है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। तो आपको कोई भी दो क्लस्टर के अंदर अपना एग्जाम देना है, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज किया होगा तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 के अंदर HTML CSS JavaScript के क्वेश्चन आने ही आने हैं, आप लोग को पता होगा। तो HTML CSS JavaScript के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के अंदर हम HTML के क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड अभी बैक टू बैक वीडियोस आएगी जिसके अंदर हम SQL कोडिंग CSS सारी चीजें मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना क्योंकि अभी बैक टू बैक वीडियोस आएगी। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और आपका काम सिर्फ एक होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं उसको कंप्लीट देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम एक एक चीजें देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये कहूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो सबसे पहले हम चीजें देखते हैं। देखो एक बेसिक टर्म होती है HTML CSS, तो इन चीजों के बारे में मैं एक हल्की सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आपने वेब पेजेस देखे होंगे, जैसे हमारे Amazon, Flipkart, ही क्या ये वेब पेजेस तो बने हैं, ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। बट जो आप पेजेस देखते हो क्या वेब पेजेस है? HTML describes the structure of web page. HTML किस चीज को describe करता है? Structure of web page. CSS क्या है? CSS एक language है. We used to style a web page. Suppose एक skeleton है. Suppose आप लोग हैं, आपकी body है, ठीक है। अब ये body क्या होगी? मेरी HTML होगी। But आपने अपने आप को, आप किसी concert में जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, किसी party में जा रहे हो, तो आप क्या करते हो? आप तैयार होके जाते हो। तो अब मैंने इस पर तैयारी कर दी। अब मैंने यहाँ पे शर्ट पहन ली, जींस पहन ली, स्नीकर्स पहन लिए, ठीक है, अपना थोड़ा सा मेकअप कर लिया। अब वो क्या हुआ? वो हुआ मेरा स्टाइलिंग का पार्ट, विच इज CSS इन द वेब पेज। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है HTML के क्वेश्चंस के अंदर। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारा मेन कोड, हमारी एक बॉयलर प्लेट होती है, डॉग टाइप HTML, ठीक है, ये मेन होता है हमारा HTML बॉडी H1, P ये हमारा हेडिंग के लिए होता है, H1, P हमारा पैराग्राफ, बॉडी HTML। तो ये क्या है? एक हमारी बॉयलर प्लेट है, ठीक है, ये हमारा एक कोड है कि हम कैसे HTML का कोड लिखते हैं। तो अब बारी आती है कि हम क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू अटैच ए लिंक इन HTML। भाई HTML का कोड लिख दिया, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको वहां पे कोड लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कोड लिखा है, तो आपको कोई लिंक अटैच करना है HTML के अंदर, तो आप कैसे अटैच करोगे? तो एक होता है हमारा AHREF, इसके अंदर हम कोई भी अपना लिंक मेंशन कर देते हैं, Amazon, Flipkart, Google.com, Yahoo.com, Gmail.com, आप कोई भी अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दोगे तो HTML के अंदर आप तुरंत इसको क्लिक करके आप अपने लिंक पे रीडायरेक्ट हो सकते हो, आप Amazon के पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हो। तो इसकी हेल्प से हम AHREF के हेल्प से हम अटैच क्या कर सकते हैं? अपने लिंक को, विजिट Amazon स्टोर, ठीक है। तो AHREF किस लिए काम आता है? हमें अगर कोई भी लिंक HTML के अंदर अटैच करना होता है तो हम AHREF के अंदर अपने लिंक को अटैच करके अपना HTML के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बिगेस्ट सेशन लेके आ चुका हूँ, बिगेस्ट कॉग्निजेंट सेशन। तो यार ये एक सेशन होने वाला है एंड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी मेल्स आ चुकी थी कि भैया जैसे आप एसेंचर का सेशन लेके आए हो, आप कॉग्निजेंट का सेशन भी लेके आओ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, जो आप नए सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमने एसेंचर का सेशन भी होस्ट किया था एंड हमने कंप्लीट एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी हेल्प से काफी स्टूडेंट्स के सारे राउंड्स क्रैक हो चुके हैं, अब उनको इंटरव्यू के लिए मेल आ चुकी है। तो अगर आपका भी एसेंचर का अपकमिंग एग्जाम है तो आप जाके एसेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो अगर आप लोगों ने हमारा एसेंचर सेशन लिया होगा तो आपको पता होगा। तो यार ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिगेस्ट कॉग्निजेंट सेशन। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी अपकमिंग कॉग्निजेंट एग्जाम है, जिनका भी कॉग्निजेंट का एग्जाम है अपकमिंग, चाहे वो 19 को, 20 को, 21 हो,
कभी भी आपका कोग्निजेंट का अपकमिंग एग्जाम है तो इस सेशन को जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। 18 सितंबर वेनसडे को, मतलब ये कल सेशन होने वाला है, 9 PM to 9:30 PM इसकी टाइमिंग रहने वाली है। एंड मुझे पता है सीट्स बहुत जल्दी जल्दी बुकिंग हो जाएगी, सीट्स काफी लिमिटेड रहने वाली है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट्स है, तो कुछ स्टूडेंट्स इस सेशन को ले सकते हैं, तो प्रायोरिटी बेसिस पे बुकिंग रहेगी। जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बुकिंग कर लेना। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें कि भैया बहुत महंगा सेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर हम एप्टीट्यूड, टेक्निकल असेसमेंट, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड बाद में हम डाउट्स भी लेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो 99 rupees का इस सेशन होने वाला है, एंड हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए टॉप 50 सीट्स के लिए एक डिस्काउंट कोड भी है। वो क्या है, आपको कैपिटल लेटर में कोग्निजेंट, जब आप इसकी बुकिंग करोगे, ये हमारा डिस्काउंट कोड है, मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इसको बुकिंग करोगे वहाँ पे कूपन कोड आएगा, वहाँ पे आपको कोग्निजेंट टाइप करना है, तो आपका 25% का ऑफ लग जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो 99 rupees में भी यार 25% का ऑफ लगा दिया, तो एक बहुत मिनिमम प्राइस रखी है जिससे काफी स्टूडेंट्स आके चीजें सीखे। तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके बुकिंग कर लेना, सीट्स लिमिटेड रहने वाली है। बाद में मत बोलना कि भैया सेशन बुक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जल्दी जल्दी बुकिंग हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी जाके कर लो। अगर आपको भी कोग्निजेंट क्रैक करना है तो बुकिंग कर लेना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाना क्या है आपको, बुकिंग करनी है। 25% का हमने कूपन कोड आपको बता दिया, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, सिर्फ टॉप 50 सीट्स के लिए रहने वाली है, तो आप जल्दी जाके आप कर लो। अगर आपने टॉप 50 सीट्स के अंदर होगे तो आपको 25% का कूपन भी लग जाएगा। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक ए हेडिंग इन HTML। तो आपको वहां पे कोई भी एक चीज दे देंगे, जैसे Amazon दे दिया या Flipkart दे दिया, कि इसको हेडिंग बनाओ, इसको हेडिंग बनाओ। अब इसको हेडिंग कैसे बनाएंगे हम HTML के अंदर, तो हमें करना क्या है, डॉक टाइप HTML, ये हमारा कोड है, HTML बॉडी, बॉडी के अंदर सारी चीजें हम लिखते हैं। H1 क्या होता है, H1 हेडिंग वन, हेडिंग वन से क्या हुआ, H1 से हम थोड़ा बोल्ड हमारी हेडिंग आएगी, H2 से थोड़ी कम आएगी, H3 से और कम आएगी, H4 से और कम आएगी। तो अगर हमें बोल्ड वर्ड में, मतलब एक अच्छी तरीके से पर्टिकुलर बोल्ड लेटर में हेडिंग लिखनी है, तो मैं H1 की हेल्प से कर सकता हूँ, एक बड़े बड़े लेटर्स में हेडिंग आ जाएगी। तो अगर Amazon को हेडिंग बनाना है, तो यहाँ पे हेडिंग वन के अंदर क्या करना है, Amazon। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक ए पैराग्राफ इन HTML। सपोज आपको वहां पे बहुत सारे 2-3 लाइन के पैराग्राफ दे देंगे, एंड आपको बोलेंगे किन लाइंस को पैराग्राफ के अंदर बनाओ HTML के अंदर, तो आप कैसे बनाओगे, डॉक टाइप HTML, HTML बॉडी, पी टैग का काम क्या होता है, पी टैग, और देखो ये क्लोज भी हमें करना होता है, पी टैग का काम होता है हमारा पैराग्राफ बनाने का। तो अगर आपको कहीं पे भी पैराग्राफ बनाना है, तो आपको पी टैग का यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है, आप पी टैग के अंदर जो भी पैराग्राफ आप लिखते हो, XYZ जो भी आप लिखते हो, एंड इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये जो भी आपने लेटर्स लिखे हैं, ये हमारे पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 2024 बैच के अंदर भी आया था, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक स्टाइलिंग इन HTML। अब आपने सुना होगा कि भैया CSS के अंदर तो स्टाइलिंग की है, बट HTML के अंदर कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो HTML के अंदर भी स्टाइलिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक टाइप HTML, HTML बॉडी, H1 स्टाइल। अब H1 क्या है, मैंने आपको H1 पहले ही बताया था कि H1 क्या होता है, हेडिंग। तो ये दा बीटेक फैक्ट्री हमने हेडिंग बना ली, ठीक है, मैं आपको एक बार आउटपुट भी दिखा देता हूँ, दा बीटेक फैक्ट्री क्या है, मेरी हेडिंग। अब जैसे मैंने ये हेडिंग बनाई, अब मुझे इसको स्टाइलिंग करनी है, तो मैंने यहीं पे हमारे एक स्टाइल टैग यूज होता है, तो आप डायरेक्टली H1 स्टाइल करके बैकग्राउंड कलर येलो, अब इसका बैकग्राउंड कलर हो, अब आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे भी रन कर सकते हो, ठीक है, अब वहां पे जाके भी आप देख सकते हो। तो होगा क्या, इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर, जो आपका बाहर का कलर होगा बैकग्राउंड कलर, वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे मैंने स्टाइलिंग कर दी, ठीक है। तो जो दाबी टेक फैक्ट्री है, इसको हेडिंग बनाया, H1 से हेडिंग बनी, स्टाइलिंग के लिए H1 स्टाइल कर दिया हमने। पैराग्राफ में भी आप स्टाइलिंग कर सकते हो, तो वहां पे हमने पी स्टाइल करके आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो ये हमारी स्टाइलिंग हो सकती है HTML के अंदर। तो इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, जो भी आप बैकग्राउंड कलर दोगे, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपका आउटपुट आ जाएगा, ब्लू दोगे ब्लू आ जाएगा, ब्लैक दोगे ब्लैक आ जाएगा, व्हाइट दोगे व्हाइट आ जाएगा। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HTML के अंदर। एंड देखो, इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप कॉन्सेप्ट्स भी समझ पा रहे होगे, तो अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इजिली कर लोगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो कम टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए HTML कोड फॉर मेकिंग ए टेबल।
तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम HTML के हेल्प से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। H2 हमने हेडिंग बना ली, अब हमारा टेबल टैग की हेल्प से मैं टेबल क्रिएट करूंगा। उसके अंदर आता है TR, TR का काम क्या होता है, एक रो बनाएगा। ये मेरी टेबल है, इसकी अगर आपको रो क्रिएट करनी है तो TR के हेल्प से आप रो क्रिएट करोगे। TD की हेल्प से आप जो भी डेटा आप पुट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने नेम पुट किया तो मेरा नेम आ गया, देन मेरा क्लास आ गया, देन मेरा सब्जेक्ट आ गया, और ये एक ही रो बनेगी, ये एक ही रो बनेगी। अगर क्योंकि मैंने TR क्लोज कर दिया, अब मुझे एक और रो बनानी है, तो मैं TR करके फिर TD, मतलब TR से क्या हुआ, एक और रो बन गई, TD करके यहाँ मैंने अनुज कोई भी मैंने नाम लिख दिया, अनुज, TD क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अनुज आ गया। अब उसकी क्लास है TD, उसकी क्लास है 8th क्लास, तो यहाँ पे 8th आ गया, ठीक है। ये मैंने TD क्लोज कर दिया। TR की देखो ये टैग याद रखना, TR से क्या होगा, मैं एक रो क्रिएट करूंगा, TD की हेल्प से मैं डेटा पुट करूंगा, एंड टेबल हमें यूज करना ही करना है जिससे हमारा टेबल बनेगा। अब TD के हेल्प से TD सब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया मैथ्स। तो अब हुआ क्या, अब एक टेबल तो मेरी ये बन गई, वो सॉरी एक रो तो मेरी ये बन गई, और एक रो मैंने ये बना दी, तो यहाँ पे आ गया मैथ्स, तो ये मेरी दो रो बन गई। तो ऐसे हम टेबल बना सकते हैं, किसके हेल्प से, HTML कोड के हेल्प से। तो ये पूरा का पूरा कोड था, आपको दोबारा बताता हूँ। टेबल टैग के अंदर आपको टेबल बनानी है, TR के हेल्प से आप रो बनाओगे, TD के हेल्प से आप डेटा क्रिएट करोगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक ए फूड लिस्ट इन HTML। आपको कुछ फूड की लिस्ट बनानी है HTML के अंदर, तो आप कैसे बनाओगे, डॉग टाइप HTML। देखो ये कोड आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे कोड ही वहां पे लिखवाए जाएंगे। HTML बॉडी H2 फूड लिस्ट, अब इससे क्या हुआ, एक हेडिंग बन गई। UL से क्या हुआ, और अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या हुआ ये, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर कर लोगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, चाहे MCQ में पूछा जाए, चाहे आपसे थोड़ा बहुत कोड कराया जाए, तो आप इजीली कर लोगे। तो अब मेरे पास कैसे भी क्वेश्चन आए, MCQ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोड कराया जाएगा तब भी मैं इजीली कर लूंगा, बहुत ज्यादा बड़ा कोड नहीं होगा, एक दो लाइन का। जैसे यहाँ पे फूड लिस्ट बनानी है तो आपको फूड लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे H2 में क्या कर दिया, एक फूड लिस्ट बन गई। अब ये UL क्या है भैया, अब यहाँ पे कोई लिस्ट मेंशन नहीं है कि अनऑर्डर में बनानी है, ऑर्डर में बनानी है, तो आप किसी भी लिस्ट के अंदर बना सकते हो। तो एक हम एग्जाम्पल देखेंगे अनऑर्डर्ड का, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर्ड बताऊंगा। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के हेल्प से क्या हुआ, अब जो भी मेरा ऑर्डर है मतलब वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया, क्या आ गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट में, ठीक है। अनऑर्डर्ड मतलब हमारा कुछ भी 1, 2, 3 नहीं आया, ठीक है। तो अब चाप, ये मेरा लिस्ट बन गई, पनीर की एक लिस्ट बन गई, दाल मखनी, ये आ गया आउटपुट में। इसके हेल्प से क्या करा, मैंने लिस्ट बनाई, इसके अंदर मैंने LI के हेल्प से डेटा पुट किया, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड था। अब बात करते हैं अगर हम इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में अंदर करना है, हाउ टू मेक ए ऑर्डर्ड लिस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाएंगे। डॉग टाइप HTML, HTML बॉडी, H2 के अंदर एक ऑर्डर्ड HTML लिस्ट होगी, OL वहां पे क्या था, वहां पे था UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट, तो OL से इसका आपको याद रहेगा शॉर्ट फॉर्म। अब LI कॉफी, तो अब ये क्या होगा, ऑर्डर्ड में आपका 1 लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, 1 कॉफी, 2 टी, 3 मिल्क। तो जैसे आप ऑर्डर्ड में करोगे तो ये चीजें कैसे आ रही है, ऑर्डर्ड में आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, आप जितनी भी लिस्ट बनाओगे आपका पूरा लिस्ट बन जाएगी। एंड इसके हेल्प से LI के हेल्प से हम लिस्ट की वैल्यू कर सकते हैं, एंड OL के हेल्प से हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं, जो हम 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड था, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, सारी चीजें मैंने आपको ट्राई किया कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो काफी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर किए हैं, तो होप्स आपको चीजें समझ में आई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अभी बैक टू बैक वीडियोज आने वाली है। अभी हम SQL, CSS, JavaScript, जावा के क्वेश्चंस, कोडिंग क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर WhatsApp चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, और चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जो WhatsApp चैनल है उसके अंदर ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।